यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से इंडिया 24/7 ने एक्सक्लूसिव बात की है। इंडिया 24/7 से बातचीत में श्रीकांत शर्मा ने कहा कि हमारे लिए उपभोक्ता वीवीआईपी है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पहली बार सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ किया गया। श्रीकांत शर्मा ने कहा कि सरकार के फैसले से 10,000 से ज्यादा बकायेदार किसानों को बकाया चुकाने में बड़ी राहत मिली है। किसान 4 किश्तों में बकाया रकम दे सकते हैं। ऊर्जा मंत्री का कहना है कि किसान के ट्रांसफार्मर अब 48 घंटे में बदले जाएंगे। पहले यह काम 72 घंटे में होता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली बार बिजली के मामले में सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को एक बड़ी राहत दी है और ये फैसला ऐतिहासिक माना जा रहा है। सभी बकायेदारों के जो सरचार्ज हैं वो सरकार ने माफ कर दिए हैं। हमारे साथ हैं प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी। श्रीकांत जी, हमको बताएं कि ये जो सरचार्ज माफ किया गया है, कैसे माफ किया गया है, कितना लोगों को राहत होगी और इसके पीछे क्या आपने सोचा है? बहुत सारी अनियमितताओं की हमको शिकायत मिल रही थी, तो माननीय योगी जी ने ये फैसला लिया कि हम एक बड़ी राहत किसानों को भी देंगे, ग्रामीण उपभोक्ता को भी देंगे, शहरी उपभोक्ता को भी देंगे और जो गांव में जैसे कमर्शियल यूज भी कोई कर रहा है, निजी संस्थान है जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर भी हम ये राहत दे रहे हैं, उनके लिए हमने 60 दिन का समय तय किया है। 60 दिन के अंदर जो आपका मूलधन है वो आप बिजली विभाग में जमा कराइए और आपका सरचार्ज माफ होगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने शहरी उपभोक्ता को 45 दिन का समय दिया है और शहर में जो निजी संस्थान है या जो कमर्शियल यूज कर रहे हैं उनके लिए भी ये सरचार्ज माफ किया है। तो और बड़ी समस्या खासतौर से गांव में ये देखी गई है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं गर्मियों के दिन में बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी क्षतिग्रस्त होते हैं और बहुत लंबा समय लग जाता है उनको बदलने में। इसको ठीक करने के लिए किस तरह से आपने सोचा है? इन सब चीजों को लेकर योगी जी की सरकार बहुत गंभीर है। आदित्यनाथ योगी जी ने सबसे पहले कहा कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो ट्रांसफार्मर फूक जाते हैं उनको हम जो 72 घंटे की एक समय सीमा रखी है विभाग ने, उसको उन्होंने बदलने के लिए कहा, तो अब उसको 48 घंटे हमने किया है। 48 घंटे में ग्रामीण क्षेत्र का जो ट्रांसफार्मर है जो एग्रीकल्चर के लिए उपयोग होता है या गांव के लिए उपयोग होता है उनको अविलंब बदला जाएगा। और पहले जो किसान का ट्रांसफार्मर था उसको वो अपनी बैलगाड़ी के माध्यम से, ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से लेकर आता था, अब ऊर्जा विभाग के लोग जाएंगे जैसे ही शिकायत मिलेगी और उसको बदल कर आएंगे। योगी जी ने यह भी कहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर 18 घंटे रोस्टर का अनुपालन नहीं हुआ, जो एक समय सीमा है, उस समय सीमा में अगर बिजली वहां उपलब्ध नहीं होती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। श्रीकांत जी, एक अंतिम सवाल। बिजली चोरी एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में रही है, आप पावरफॉल एग्रीमेंट ऑल एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो ये दोनों चीजों के बारे में हमें बताएं कि बिजली चोरी को रोकने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी का संकल्प है कि जो सपना मोदी जी ने देखा है उसको हम पूरा करें। हर खेत को सस्ती बिजली मिले, हर गांव को बिजली मिले, हर घर को सस्ती बिजली मिले, इसके संदर्भ में पावर फॉर ऑल एक एग्रीमेंट हम लोग करने वाले हैं। 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर वो एग्रीमेंट होगा और उसके बाद जो समस्याएं थोड़ी बहुत रहती हैं, जैसे पीक आवर्स में डिमांड बहुत होती है और हमारे पास उतनी बिजली उपलब्ध नहीं है, तो हमें सस्ती दर पर वो बिजली मिलेगी जिससे कि हम पीक आवर्स में भी लोगों को बिजली दे पाएंगे। चोरी की बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के अंदर, चोरी पर कड़ा प्रहार होगा और उसके बारे में विस्तार से हम आपको जानकारी देंगे जब उसका पूरा भी आप जारी करने जा रहे हैं। निश्चित रूप से 14 अप्रैल को एक हेल्पलाइन नंबर जो अभी शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने श्री मुख से उस नंबर को भी अनाउंस करेंगे और फिर गांव के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान के पास वो नंबर सब पहुंचेगा और वो अपना शिकायत उस नंबर पर रजिस्टर्ड कराएंगे। 1912 वो नंबर रहेगा जिससे कि अविलंब उपभोक्ता की शिकायतों का हम लोग निवारण कर सकें। तो प्राथमिकता है गांव और गरीब को हम बिजली कैसे दे सकते हैं और जो खामियां रहती हैं, जो लापरवाही रहती है विभाग के लोगों के द्वारा, वो लापरवाही ना हो, इस तरह की योजना है वो नीचे तक लागू हो, अखिलेश सरकार की तरह कागजों तक सीमित ना रहे, जमीन पर ये चीजें पहुंचे। जो रोस्टर तय किया है 18 घंटे गांव में, 20 घंटे तहसील पर और 24 घंटे जिला मुख्यालय पर बिजली पहुंचे, ये अधिकारी सुनिश्चित करें। अगर कहीं कोई त्रुटि रहेगी, कोई कमी रहेगी, कोई लापरवाही रहेगी तो सख्त कार्रवाई उन अधिकारियों के खिलाफ की जाएगी और ये जो उघाई है ये उघाई अब समाप्त होगी।
जहां मीटर नहीं है वहां मीटर भी लगाने का हम लोग काम करेंगे, जहां कनेक्शन नहीं है कनेक्शन पहुंचाने का भी काम करेंगे, लेकिन अगर उगाही करता हुआ कोई पाया गया तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई हमारी सरकार करेगी, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उपभोक्ता हमारी प्राथमिकता है, उपभोक्ता हमारा वीआईपी है, उपभोक्ता को वीआईपी की तरह ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अभी तक उपभोक्ता का उत्पीड़न होता था, कोशिश होती थी कि उपभोक्ता को कैसे प्रताड़ित किया जाए, अब उपभोक्ता की समस्या का समाधान कैसे किया जाए उसके लिए अधिकारी उसको सुझाव देंगे। धन्यवाद। तो ये श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री, जिनका ये कहना है कि उपभोक्ता ही उनका वीआईपी है। पिछले की सरकारों में हमने देखा कि कुछ वीआईपी जिले हुआ करते थे, लेकिन इस सरकार में ये कहा जा रहा है कि उपभोक्ता ही वीआईपी है और उसी को दृष्टिकोण, उसी को ध्यान में रखते हुए ये योजनाएं बनाई जा रही हैं। कैमरा पर्सन अमरिंदर शाह के साथ मैं विवेक तिवारी, इंडिया 24/7 लखनऊ।